मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट पे नहाने। माय सिस्टर ये पल्लो बहुत ज्यादा ठंडा भाई, कुछ तो ले आ जाओ। गाइस सब भाई बहनों में से सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ, पल्लो दीदी भी नहीं जा रही। नहीं पल्लो तन्नू दीदी, सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ नहाने। बहुत ठंडा है सच में भाई यार, हरिद्वार आए हैं एक बारी तो नहाना बनता है। तो गाइस ये जो दक्ष मंदिर है ना उसी के अंदर घाट है, मतलब यहाँ पे मंदिर है और यहाँ से घाट है। तो हम मंदिर के पास वाले घाट में आ गए और भाई बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। नहीं पल्लो दीदी, नहीं तन्नू दीदी, इसी चक्कर में बहुत ठंड है, बहुत ठंड, बहुत ज़्यादा। जो सोचा था ना कि इतनी ठंड होगी, बस कल से ज्यादा ठंड लगी रात को। रात को तो भाई हालत टाइट थी और अब ठीक है भाई, एक गोता तो मारना, ये तो सोच के रखा है कि आए हैं तो गंगा जी में जाना है। यहाँ घाट पे चिड़िया भी नहाने आई है, ये देखो आप। और पीयूष भी नहा लिया, पीयूष ये रहा, बहुत ज्यादा ठंड नहा लिया। और ये सूरज कितने अच्छे निकल रहे हैं यहाँ पर। गाइस ये जो आपको मंदिर दिख रहा है ना, अभी घर पे जाने के बाद इसकी मैं पूरी कहानी बताऊंगा आपको। यहाँ पे गाइस हम कल भी आए थे और ये हमारी धर्मशाला की जस्ट बाहर ही है सामने एकदम। गाइस अभी हम लोग आए हैं इस मंदिर में, ये यहाँ का प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है पीयूष जा रहा है गंगा जी का जल लेने पूजा के लिए। ये नीचे से लाएगा, आपको मैं दिखाती हूँ। अभी मेरे तो पैर ठिठ रहा है, इसी तो मेरे पैर में दर्द, और से यहाँ इतना गाइस ये देखो बस यहीं से भर ले। और गाइस देखो शिवलिंग की भर भर भर, अच्छा भर ना दीदी, भर ले थपड़ा खा दूंगी, जल्दी कर जल्दी कर, पूजा को लेट हो रहे हैं। ओम नमो शिवाय। मम्मी यहाँ पे तो पानी ठंडा नहीं है, जल्दी कर जल्दी, यहाँ धूप आ रही है बहुत तेज, बस यहीं से भर ले, बस ले। ओम नमः शंभवाय तमयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शंकराय च भूर्भुवः च भगवते श्री श्याम सुंदर। भोले भोले ओ भोले 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 ओ भोले भोले ओ। ये मंदिर एकदम देखो यहाँ से गंगा जी का जाने का रास्ता है और ये मंदिर एकदम गंगा के तट पे बसा है। यहाँ पे मंदिर रहा और यहाँ पे गंगा जा रही है। सो गाइस जो मंदिर मैंने आप लोगों को दिखाया था वो था पहले महल राजा दक्ष का, वो इस सृष्टि के पहले राजा थे और उनकी बेटी का नाम था सती, जिनकी शादी शिवजी से हुई थी और वो शिवजी की फर्स्ट वाइफ थी। पर उनके फादर को शिवजी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि शिवजी का कुछ उनको पता नहीं था, कौन माता कौन पिता और पहाड़ों पे रहने वाले, इसलिए वो उन्हें अच्छे नहीं लगते थे उनके फादर को। जब उनकी बेटी की शादी हो गई थी तो उसके बाद उनने अपने घर पे फंक्शन रखा था, जो मंदिर था वो पहले महल था वहाँ पे फंक्शन था। तो फिर उनने अपनी बेटी और दामाद को दोनों को नहीं बुलाया, तो उनकी बेटी को लगा कि उनके पिताजी उनको बुलाना भूल गए। तो फिर वो शिवजी से लड़ झगड़ कर, शिवजी ने उन्हें बहुत मना किया पर वो शिवजी से लड़ झगड़ कर उधर चली गई। जाने के बाद उनके पिताजी ने उनकी बहुत बेइज्जती की और साथ में शिवजी की भी करने लगे। जब वो शिवजी को बोलने लगे तो सती माता सुन नहीं पाई, वो जाके हवन कुंड में कूद गई, वो आधी जली हुई थी। फिर ये बात घूमती घूमती शिवजी तक पहुंची। जब शिवजी आए
तो वो बहुत क्रोधित हुए और वो बहुत रोए। उनने जब वो आदि जल रखी थी उनने उसी में उठा लिया और वो पूरे ब्रह्मांड में घूमने लग गए और तांडव करने लग गए। वो बहुत रोए, उन्हें बहुत गुस्सा चढ़ा कि मैंने मना किया था तब भी आए। फिर उनको वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही थी और ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये चीज़ अभी नहीं रुकी तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो उनने अपने चक्र से उनकी सती माता के 52 टुकड़े कर दिए और वो पूरे ब्रह्मांड में जाके गिर गए। बहुत सी जगह हैं और उनको अब शक्ति ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है हर जगह। मतलब उन जहाँ पे वो पाठ गिरे हैं ना, अब उनको शक्ति ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे मंदिर बना दिया गया, पर जहाँ पे कल मैंने वो आपको दशरथ जी का मंदिर था जो नाम था, वो पहले उनका महल था। सो गाइस, पूजा चालू हो चुकी है तो चलो चलते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव कर चुके हैं मनसा देवी मंदिर के लिए। और जो कल का ब्लॉग आप लोग देख रहे होंगे वो लेट इसलिए डला है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। तो जो हम अपने फोन के नेट से डाल रहे हैं उससे बहुत स्लो स्लो डल रहा है, इसीलिए है ना मोटा ना। हम लोग जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर, तो वहाँ के लिए रोप वे लेना है जो इस रास्ते से पड़ेगा। तो अभी चलते हैं, देखो मार्केट भी लग रहा है, यहाँ पे बैग वैग सब कुछ है। पीयूष और दीदी आगे चल रहे हैं और अपन नवीन रोपवे के रास्ते के लिए जा रहे हैं। वो दोनों आगे भाग गए और मम्मी और मैं धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि मम्मी के पैर में दर्द हो रहा है, क्योंकि मम्मी बहुत देर तक बैठ गई थी नीचे, इसलिए है ना। मम्मी बैग अच्छे थे ना, मार्केट भी चल अच्छा लग रहा है। मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कुछ लोग ही, हाँ जी क्या हुआ, मार्केट अच्छा है ना। हम रोप वे के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, अभी ये लोग वॉशरूम जाके आए हैं क्योंकि इन्हें वॉशरूम जाना था और ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए एग्जिट वहाँ थी। एंट्री पे कितनी भीड़ है यार, भीड़ हो रही है मोटी, भीड़ हो रही है यार। चलो 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 चलो, देखो जहाँ मनसा देवी की रोप वे की टिकट मिल रही है वहीं पे ऊपर से ट्रेन जा रही है देहरादून के लास्ट स्टॉप पे। दूरी दूरी सी रहे, ठहरी ठहरी सी बहे, हवा जो ये दिल की कहे। गाइस हम लोग आ चुके हैं रोप वे के लिए, अभी अपन जाते हैं। कहाँ है हमारा रोप वे वो पता नहीं है। तो आ चुके हैं और ये लोगों को गुस्सा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लूट मच रही है बहुत बुरी तरह, है ना मम्मी, लूट मच रही है ना। किसानों को ऐसे ही करते हैं, इतनी महंगी महंगी रोप वे की टिकट और दूसरी बात प्रसाद के लिए हमें चिपकाए जा रहे हैं, चिपकाए जा रहे हैं। ये रहे रोप वे, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से जाएंगे मजा आएगा, मजा आएगा। चलो चलते हैं। हम लोग बैठ चुके हैं रोप वे में और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, पर मेरे को डर लग रहा है। मैं तो पैराग्लाइडिंग करने वाली थी, टाइट हो जाएगी, पैराग्लाइडिंग तो दूर की बात है। ओ मम्मी लंगूर लंगूर, चुप हो जाए ना, पीयूष मत कर फोन छीन लेंगे। नीचे का दिखा, भाई नीचे, अरे डर क्या लग रहा है, छोड़ अरे बच्चे वाला खेल है। लंगूर है यार, मम्मी देखो कितने लंगूर है यार, चुप चुप, डर लग रहा है, फोन छीन ले, चुप चुप चुप, तो हाथ मत निकालियो, चपड़ जाएंगे हमारे ऊपर, मम्मी को डर लग रहा है। गाइस ये रहा मनसा देवी का मंदिर और हम बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं, पता नहीं कितने नीचे से, ये देखना पूरी गंगा जी दिख रही है, पूरे हरिद्वार दिख रही है, कितना सुंदर लग रहा है यार, गंगा जी कितनी अच्छी लग रही है ना वहां। ओ माय गाइस वहां पे देखो आपको दिख रहा हो तो उधर उधर कहीं है, दिखेगा नहीं वैसे इतनी दूर, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है।
होने दे, पर बोल मत तू। गंगा जी कितनी प्यारी है, देखो दो सच्ची में। देखो ओ दीदी वहां तक, देखो वहां तक जा रही है, खाने की खुशबू आ रही है। अभी वो देखो पूरी गंगा जी दिख रही है। हां वही वही दिखा रही हूं। ओए आ गए मोटे। ओए मोटा डर रहा है। ओ मोटा डर रहा है, मोटा डर रहा है। मोटे पैराग्लाइडिंग कराएंगे अब तो, कराएंगे पैराग्लाइडिंग, मजा आएगा। इस रोप वे से उतरने के बाद हम यहाँ आ चुके हैं, मंदिर में जा रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ से एंट्री है। अभी आपको दिखाते हैं आगे जाके। और मम्मी डर रही थी बहुत बुरी तरह। मम्मी है, मम्मी ओ मम्मी बोल लो ना, आपको डर लग रहा था ना, आपको डर लगा थोड़ा था। पैराग्लाइडिंग अच्छी जी, पैराग्लाइडिंग करोगी? मैं भी करूँगी। गाइस हमने जूते चप्पल रख दिया, अब अपन जा रहे हैं मंदिर में। चलो क्या घंटी बजाऊं? अच्छा कह रहा ऊपर का दिखाओ, मुझे लगा कह रहा घंटी हो जाओ। घंटी तो थी नहीं, है ना दीदी? दिमाग दिमाग ना सारे जहां से अच्छा। कहाँ पे है मंदिर? सामने ही है क्या? पीयूष, पीयूष कहाँ? नहीं साइड में है मेरे हिसाब से। वही भीड़ है अभी तो। मेरे को भी दे दो यार, ले। गाइस भीड़ देखो कितनी है, कितनी है यहाँ की श्रद्धा। लोग आए हैं, तुमने दीदी आपको यहाँ के कैसे लग रहे हैं? जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। अंकल बोल रहे हैं जय माता दी। मैं तो 20 चढ़ाएंगे। नहीं भाई 10 ले रहे हैं। लंबोदर पे तांबर थी सिद्धि दाता, विघ्न विनायक मोरिया। गौरी सुप्रथमेश्वर पिता महेश्वर हे गणनायक मोरिया। लंबोदर पे तांबर रिद्धि सिद्धि दाता, विघ्न विनायक मोरिया। गौरी सुप्रथमेश्वर पिता महेश्वर हे गणनायक मोरिया। मूषक सवारी है हाथों में, मोदक है गण के राजा गणराया। कोई भगत तुझको दिल से पुकारे तो दुख हरता बापा तुहाया। मोरिया 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 बापा मोरिया 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 मोरिया। गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं, अभी मैं गिर जाती बोलने के चक्कर में क्योंकि सीढ़ी थी। और हमने झाड़ा वाड़ा ले लिया, चढ़ावा चढ़ा दिया, सब कुछ हो गया। अब अपन वापस निकलने की कोशिश में हैं। यार मम्मी मेरे को पन्ने की अंगूठी बनवा दो। गाइस हम लोग आ चुके हैं वापस यहाँ पे अपनी ट्रॉली में बैठने के लिए, मतलब रोप वे में बैठने के लिए। और फिर अपन जाएंगे वापस नीचे, और उसके बाद जाएंगे अपन जहाँ पापा जी की पूजा हुई थी, वहाँ पापा जी मम्मी जी की दोनों की पूजा हुई थी वहाँ पे। और उसके बाद अपन करेंगे लंच, क्योंकि अपन ने भी किया नहीं है। गाइस हम लोग फिर दोबारा बैठ चुके। पीयूष मत कर, उन्होंने मना किया है। दोबारा मना करते कि ऐसे नहीं करना। दोबारा बैठ चुके हैं हम अपने इसमें रोप वे में। ओ भाई साहब देखना गाइस, नीचे देखना मेरे को, आप रुक जाओ। गाइस लोग देखो, गाइस लोग देखो मैं नीचे का। ओ बेटे की जान, मैंने कह दी मोबाइल इधर रख ले बेटा, खटर खटर रहा है। अरे इधर ही है बहन, उसकी वजह से आपके यहां से मिलेगा नहीं ना। कौन किसको कहां उतारते हैं? स्कूटी भी आ रही है यहाँ, ज्यादा दूर नहीं है। अरे देखो फोन में किधर कर ले, तू डरती ज्यादा है।
गाइस देखो देखो गाइस हम लोग आ चुके हैं। ये क्या खराब वाली है क्या ये? अब लोग उतर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मार्केट से होते हुए नीचे बैटरी रिक्शा के लिए और उसके बाद अपन निकलेंगे खाना खाने के लिए। जब हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और अब अपने बैटरी रिक्शा में बैठ चुके हैं मंदिर जाने के लिए, उसके बाद अपन लंच करेंगे है ना, क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका है, और अपन खाना खाएंगे उसके बाद अपन निकलेंगे आगे के लिए। आगे के लिए गाइस देखो वहाँ पे बंदर मंदिर में बैठ के पूजा कर रहा है, झुका हुआ है, हाथ जोड़ रखे हैं शायद से, देखना कैसे पूजा कर रहा है। और अभी यहाँ पे जो पूजा हो रही है ना, यहाँ पे आके फल ले लेके भाग रहे थे बंदर, और वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। बताओ पास में जाके नहीं बना सकती गाइस, कहीं से भी कोई भी बंदर कूद के आ रहा है, और मेरे को ये लग रहा है खून छीन के भाग गया तो मेरे घर वाले मेरे को धो देंगे पकड़ के, इसलिए अब दूर से ही देखूं पूजा कर रहा है। लेकिन वो ये मत सोचना कुछ और है, वहाँ पे वो छोटे छोटे से जो बंदर नहीं होते वो बना रखे हैं, वहाँ पे वो पूजा कर रहा है। गाइस यहाँ पर हो रहा है पितरों का तर्पण। अब हम लोग पूजा पूजा खत्म होने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं पंडित जियों को भोजन कराने के लिए है ना। हाँ, क्योंकि तर्पण कराने के बाद खाना खिलाना पड़ता है पंडित जियों को, तो वो हम और हम भी करेंगे अब, क्योंकि हम सुबह के भूखे। हाँ जी, हम सुबह के भूखे हैं गाइस, अब हम अच्छे से खाना खाएंगे। देखो एक आज हमारा दिल बहुत खुश है क्योंकि हमारे सारे पितरों को दान हो चुका है, यानी कि पितृदान। और ये मैं बहुत सालों से सोच रही थी, जो आज हो गया तो आज मेरा मन बहुत 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 ज़्यादा खुश है। यस गाइस, प्लीज हम लोग आ चुके हैं खाने के लिए, अभी हमने ऑर्डर दे दिया है, वो खाना रेडी होके आ रहा है उस वक्त, उसके बाद हम लोग खाएंगे। पानी तो पिला दो, ऊपर वाली खाली होगी, ऊपर ही चले गए नहीं ठीक है। अभी हम लोगों को खाना आया नहीं, हम लोग इधर बैठे हैं और पंडित जी लोग उधर बैठे हैं, पापा सारे पंडित जी को देखो, उन लोगों का खाना आ चुका है, वो लोग खा रहे हैं और भूखे मारे पागल हो रहा है। क्योंकि मैं बताती हूँ कितने बज गए, बज चुके हैं, कितने बज चुके हैं और बताना, दो बज चुके हैं, दो से ऊपर या करेक्ट दो बज चुके हैं, और ये बेचारा भूखा है सुबह से, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है इसीलिए है ना। गाइस देखो हमारा बिना लहसुन प्याज का खाना आ चुका है, ये है मिक्सर जी। हाँ गाइस, जहाँ हमने रात को खाया था वहीं से हमने आज भी खाना खाया है, ये सलाद भी, इसमें किसी में भी लहसुन प्याज नहीं है क्योंकि आज हमारी पूजा हुई है इसलिए, और पूरा खाना बहुत टेस्टी है, और कल रात को हमको बहुत टेस्टी लगा था इसलिए हम आज सुबह भी यहीं आए हैं, सुबह नहीं तो दोपहर में है ना। गाइस देखो सारा खाना खत्म हो चुका है, खाली प्लेट हो चुकी है, अब सब ने पानी वाली भी पी लिया है, अब हमने खाया है सारा तन्नू में, अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए। कितना खाते हैं यार तन्नू, तो हम तो कट्टी दूसरा कौन बर्तन भी चाट गई पता है गाइस। गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब बाय, और कल के व्लॉग में आपको मिलने वाली एक और अच्छी खबर, बाय।